हेलो गाइज, सेविंग फंड चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप देश की सबसे बड़ी बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर FD करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों एक बढ़िया अपडेट है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपनी एक नई धमाकेदार FD स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर दोस्तों FD करने पर आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ एक साल में 9.79% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, FD पर दोस्तों आपको 9.79% का गारंटीड इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको FD पर कैसे मिलेगा, कौन कौन लोग इस FD स्कीम में पैसा लगा सकता है और मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, मैच्योरिटी कितनी होगी, और वीडियो के लास्ट में हम दोस्तों कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि अगर आप इस FD स्कीम में 5 लाख, 10 लाख या फिर इससे कम ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। तो इस नई FD स्कीम की दोस्तों कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों रिस्क फ्री एकदम सिक्योर 100% गारंटीड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, SBI की इस धमाकेदार FD स्कीम का नाम है SBI अमृत वृष्टि स्कीम। दोस्तों, ये FD स्कीम 15 जुलाई 2024 को लॉन्च हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी, यानी दोस्तों आप 8 महीने तक इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं। ये स्कीम दोस्तों 444 दिन की मैच्योरिटी के साथ आ रही है, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा आपको दोस्तों 444 दिन बाद मैच्योरिटी पर मिलेगा, यानी कि 1 साल और 2 महीने के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों इस बीच में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहें तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में आप निकाल सकते हैं, हर 6 महीने बाद भी आप विड्रॉल कर सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट को। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको 9.79% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों इस FD स्कीम की जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो देखेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, आप 1 लाख रुपए की FD करने वाले हैं इस स्कीम के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर 444 दिन के बाद आपको 1,11,908 रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी, यानी सिर्फ दोस्तों 1 साल और 2 महीने में 1 लाख रुपये पर करीब आपको 12,000 का जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि दोस्तों ग्रोथ परसेंट बनता है 12%। तो क्या यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, YouTube पर इस स्कीम की बहुत सारी वीडियोस बन गई हैं, जिसमें दोस्तों इस FD स्कीम पर 9.79% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है, जो कि दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं कि बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर दोस्तों SBI की जो FD स्कीम की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी लिस्ट को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 2 साल की FD पर 6.80% से लेकर 7.30% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि दोस्तों 2 साल से लेकर 3 साल की FD पर आपको 7% से लेकर 7.5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस लिस्ट में आपको 9.79% का कहीं पर भी इंटरेस्ट रेट दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 444 दिन वाली जो अमृत वृष्टि स्कीम है उसकी बात करें तो दोस्तों ये स्कीम जनरल पर्सन के लिए 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, जबकि सीनियर सिटीजन को दोस्तों यहाँ पर 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, और अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको यहाँ पर 8% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, यानी दोस्तों यहाँ पर अमृत वृष्टि स्कीम की जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 9.79% का जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए की FD करते हैं 444 दिन के लिए अमृत वृष्टि स्कीम में, तो दोस्तों मैक्सिमम 7.75% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको 1,09,427 रुपये का अमाउंट मिलेगा, यानी दोस्तों 9,500 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख की FD पर सिर्फ 444 दिन के बाद में। तो दोस्तों 1 लाख का 9,500 रुपये कितना हुआ? 9.5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पर 7.75% का ही मिलेगा, लेकिन आपके पैसों की जो ग्रोथ होगी वो यहाँ पर 9.5% के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको 9.79% का जो मैंने इंटरेस्ट बताया है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए वो यहाँ पर आपको कैसे मिल रहा है। आपको जो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 7.75% की मिल रही है, लेकिन जो पैसों की ग्रोथ हो रही है 444 दिन में वो यहाँ पर 9.5% से ज़्यादा के हिसाब से हो रही है। तो दोस्तों बिल्कुल आप कंफ्यूजन में ना रहें, आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि मान लीजिए 5 लाख रुपये की आप FD करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 लाख की FD पर आपको 444 दिन के बाद 47,136 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका बजट क्या है, आपकी इनकम कितना है और कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं इस FD स्कीम के अंदर, वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उसका यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन के साथ रिप्लाई दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं
कि किन लोगों को दोस्तों इस एफडी स्कीम में जो पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो लोग यहाँ पर रिस्क फ्री एकदम गारंटीड रिटर्न पाना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पर इस एफडी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भी पर्सन कम टाइम के लिए, जैसे कि 2 साल से कम टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो भी सिक्योर और 100% गारंटीड रिटर्न के साथ में, तो दोस्तों आप एसबीआई की इस अमृत वृष्टि स्कीम में जो एफडी कर सकता है 444 दिन के लिए। बिल्कुल आपको यहाँ पर 444 दिन के बाद इंटरेस्ट सहित आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो ये दोस्तों उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एफडी करवाने के बाद उस पर जो लोन लेते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर एफडी करवाने के बाद उस पर लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपके लिए ये एफडी स्कीम काफ़ी सूटेबल रहने वाली है। आप इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पर लोन भी ले सकते हैं और मैच्योरिटी से पहले आप लोन को दोस्तों रीपे करने के बाद अपनी जो मैच्योरिटी है वो ले सकते हैं। अब इस लोन में आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक दो आपको एफडी पर लोन मिलेगा और दूसरा यहाँ पर दोस्तों लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ पर है जो कम होगा। तो यहाँ पर मैंने जो तीनों ऑप्शन बताए हैं अगर वो आपके ऊपर लागू हो रहे हैं तो बिल्कुल आप दोस्तों इस एफडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी में कोई भी भारतीय नागरिक इस एफडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अपने नज़दीकी किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर आपको एक एफडी फॉर्म भरना है और उस एफडी फॉर्म में 444 दिन है जो एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों उस फॉर्म को आप जमा करेंगे, बिल्कुल वहाँ पर आपकी जो 444 दिन की अमृत वृष्टि स्कीम है वो यहाँ पर है जो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों एसबीआई ने एक और स्कीम चला रखी है 400 दिन की, यानी कि एसबीआई अमृत क्लस स्कीम। तो अगर आप उस एफडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई अमृत क्लस स्कीम का कंप्लीट और डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहीं जैसे मैंने बताया, अगर आप एसबीआई अमृत वृष्टि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एफडी स्कीम 15 जुलाई 2024 से जो चालू हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो यहाँ पर दोस्तों 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। लेकिन अगर आप अभी 2024 में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी सिक्योर एफडी के अंदर तो बिल्कुल आप दोस्तों एसबीआई नज़दीकी किसी भी ब्रांच में जाकर इस एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और कुछ पैसे यानी कि 450 से 500 रुपये आप मंथली पे करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप अपने फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। दोस्तों policybazaar.com का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप एक बार चेकआउट जरूर कराएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डिटेल मोबाइल नंबर भरना है, देन सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक policybazaar.com से कॉल भी आएगी तो कॉल के थ्रू आप बिल्कुल आप फ्री में पूरी एडवाइस ले सकते हैं कि मेरा जो मंथली प्रीमियम है वो कितना आएगा, कैसे क्लेम मिलेगा और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना, वो सारा कुछ आपको डिटेल वहाँ से बता देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए बेनिफिट है, आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपके साथ आने वाले टाइम में कुछ भी होता है और आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपकी फैमिली को दोस्तों 1 करोड़ रुपये का जो टर्म लाइफ कवर मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमेशा अपना सबसे पहला काम करते हैं वो इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों इंश्योरेंस के नाम से भागते हैं कि इसमें पैसा है जो वेस्ट करना है, लेकिन वेस्ट नहीं है। आप रहें या ना रहें लेकिन आपकी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दोस्तों आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। तो policybazaar का लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाकर आप जरूर चेक करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।